नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। समाज कल्याण हेतु और आप सभी दर्शकों ने हमें कमेंट किए, मेल के जरिए पूछे कि गुरुजी आप जो है कोई वशीकरण वाला यंत्र बताएं, तो वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से यह यंत्र आपको बनाना है, कैसा बनाना है मैं आपको पूरे वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। इस यंत्र का आपको गलत प्रयोग नहीं करना है, इस यंत्र से किसी को भी आप वश में कर सकते हैं। वशीकरण का मतलब गलत आपको तर्क में नहीं लेना है। जो लोग परेशान रहते हैं, जिन्हें काफ़ी पीड़ा होती है, जिन्हें लोग प्रताड़ित करते हैं, उन लोग इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करके वशीकरण करके यानी कि लोगों को सम्मोहन करके अपने इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। तो इस यंत्र को किस प्रकार से बनाना है, यह यंत्र जगत वशीकरण यंत्र के नाम से जाना जाता है और इस यंत्र के प्रभाव से कोई भी आदमी नहीं बच सकता। जिसके भी पास में जाओगे वह बिल्कुल ही आपके वशीभूत हो जाते हैं। जो लोग रोजगार करते हैं, जॉब में है, अपने बॉस को अपने जो बॉस है उसे वश में करना चाहते हैं, अपने पत्नी को वश में करना चाहते हैं, अपने पुत्रों को वश में करना चाहते हैं, एनीबडी किसी को भी वश में करना चाहते हैं, तो यह जगत वशीकरण यंत्र उनके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे और इस यंत्र को धारण करने से किसी को भी आप वश में कर सकते हैं। यह यंत्र मैं भी नॉर्मल कोरे कागज में बनाया हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसे आपको दोस्तों बनाने के लिए भोजपत्र की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसे भोजपत्र में बनाना है और किस प्रकार से बनाना है आइए जानते हैं। तो इस यंत्र को कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन और चमेली की कलम इसमें बना करके भोजपत्र पर लिखना है और इसके 3 दिन तक विधिवत पूजा करना है। जैसे कि आप भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस यंत्र को पूजा करना है। यह दोस्तों साक्षात जगत वशीकरण मोहिनी यंत्र है और इसके प्रभाव से कोई भी आदमी नहीं बच पाता। फिर 3 दिन तक पूजा करने के बाद इसे ताबीज में भरवा करके बाह भुजा में बांध लें और जिसके भी आप पास में जाएंगे तो बिल्कुल ही आपके वशीभूत हो जाएंगे। 100% यह अजमाया हुआ यंत्र है और इस यंत्र के प्रभाव से कोई भी आदमी नहीं बच सकता। तो अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए, समाज कल्याण के हित के लिए इसका प्रयोग करें, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम।